हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। जी हाँ दोस्तों, इसी हौसले से हमारे आज के एक्सपर्ट आज तक बढ़ते और चलते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शगुन जैन। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज़ मीडिया 47 पे। और आज के हमारे शो एक्सपर्ट की बात में हमारे साथ हैं डॉक्टर तिलक तन्वर। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये नाम सुना सुना लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर तिलक तन्वर अकेले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेमिनार्स एक दिन में लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं। उसके साथ ही साथ वो एक ऑथर भी हैं और इनकी पहली किताब को amazon.com की तरफ से बेस्ट सेलर घोषित किया गया था। उसके साथ ही साथ ये एक PR कंपनी चलाते हैं t2chat.com, जिसके ये CEO भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है, बहुत सारे यूथ को उनका रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों, आज हमसे डॉक्टर तिलक तन्वर बात करेंगे COVID-19 का सबसे बड़ा फ़ायदा। जैसे हम COVID-19 के नाम से ही इतनी नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस ये चला जाए, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा भी है जिसके बारे में आज हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर तिलक तन्वर को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ मीडिया 47 पर। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तन्वर है, मोटिवेशनल स्पीकर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, CEO t2chat.com। दोस्तों, पिछले एक महीने में मैंने कुछ ऐसा किया है जो मैं शायद पिछले एक साल में नहीं कर पाता। पिछले 30 दिनों में मैंने 10 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आपके विचार ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। जिस तरह से आप सोचते हैं, उसी तरह से आपका भविष्य बनने वाला है। और किताबें आपके विचारों को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैंने इस दौर में सीखा है कि ये आपको एक गुरु की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, आपके फैसले लेने में, बिजनेस में हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन में हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये आपके दोस्त की तरह होती है, आपको जीने का हौसला देती है, आप में उत्साह भरती है। और एक दूसरा शानदार अनुभव रहा आध्यात्मिकता और मेडिटेशन को लेकर। मैंने इस दौर में सीखा कि सबसे मुश्किल चीज़ है सबसे आसान चीज़ को समझना। हवा हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन हम लोग इसमें पॉल्यूशन मिलाते रहते हैं। दूसरा बहुत आसान चीज़ है मौत, सबको पता है, सबको आनी है, एक अटल सत्य है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके प्रति किस तरह का रवैया रखते हैं। एक हैप्पीनेस, इस दौरान मैंने महसूस किया कि खुश रहना एक बहुत ही आसान चीज़ है। हैप्पीनेस इज ए चॉइस, ये चॉइस है, आप इसे चूज करते हैं कि हैप्पी होना है, नहीं होना है, खुश होना है, नहीं होना है। ये बाहरी नहीं, अंदरूनी मामला है। ना रिश्तों से, ना समाज से, ना मंदिर से, ना नमाज से, ना आकाश से, ना पाताल से, ना मटर से, ना हलाल से खुशी मिलती है, सिर्फ ख्याल से। दोस्तों, इस दौर में बहुत शानदार मजा आ रहा है। हरियाणा में कहते हैं कच्चे कट रहे हैं, इंजॉयिंग द लाइफ। थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर तिलक तन्वर। मैं जानती हूँ कि इनकी बातों ने आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी होगी। आपको समझ में आया होगा कि COVID-19 जितना बुरा हम सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, उतना बुरा नहीं है।
तो हमारे एक्सपर्ट से अगर आप बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं और हमारे चैनल पर आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई ईमेल एड्रेस पर हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू न्यूज़ मीडिया 47।